24 जुलाई 2024 को करेली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सचिन पाल को गिरफ्तार किया। सचिन पाल पर हत्या और लूट का आरोप है। एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और पुलिस को दिए गए फर्जी रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। इस घटना का आरंभ होता है जब वादी मुकदमा सचिन पाल ने करेली पुलिस थाने में जाकर सूचित किया कि अज्ञात आरोपियों ने उसके घर में लूटपाट की और उसकी मां सुभद्रा पाल की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की नजरें सचिन पाल पर टिक गई। उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। मुकदमा के अनुसार वादी सचिन पाल ने पुलिस को सूचना दी कि उसके घर में अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की और उसकी मां सुभद्र पाल की हत्या कर दी। सचिन ने एक नाटक किया, कमरे का सामान बिखेर दिया ताकि लगे कि लूट के बाद हत्या हुई है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। अभियुक्त सचिन पाल को करेली गेट के पास से पकड़ा गया। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के पास से एक लोहे का खलबट्टा, एक गमछा और दो मोबाइल फोन बरामद किए। जुलाई को करेली में जो नया पुरवा है उसमें एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें उसके घटना के अनावरण के लिए जो हमारी एसओजी की टीम्स और सर्विलांस की टीम और थाने की टीम्स लगी थी, इसमें 5 टीमें, आज इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था और उसी ने वो तहरीर झूठी एक तहरीर देते हुए जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से 15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं, तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। मर्डर जो है वो सचिन पाल के द्वारा ही किया गया था और ये जो घटना इसने कारित की उसमें, क्योंकि इसकी जो सचिन पाल की जो मदर थी उसको बार बार काम करने के लिए और नौकरी पे जाने के लिए कहती थी, तो इसी बात पे उनका आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद ही इसने जो लोहे की एक रॉड थी उसी से उसको सिर में मार के अपनी मदर को घायल किया था और बाद में फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया था। तो ये घटना कारित करने के बाद इसने बहुत ही प्लानिंग के तहत एक एलिबाई क्रिएट करने के लिए 2-3 व्यक्तियों के साथ ये मिला और उनके साथ घूमा भी और उनसे, क्योंकि पहले भी ये लेन देन उनका रहता था, तो इसी बहाने उन लोगों से मिलने गया ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके कि जिस टाइम पे घटना हुई उस टाइम पे ये मौके पे मौजूद नहीं था। जो आला कत्ल है वो भी इसने कहीं पे छुपा दिया था, वो भी पुलिस ने इसकी निशानदेही पे बरामद किया है और इसके खिलाफ जो फर्दर जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वजह क्या थी, किस वजह से इतना हुआ जिसने मार कहते हैं? देखिए, वजह यही थी कि इसकी जो मदर थी वो बार बार इसको काम करने के लिए और जॉब पे जाने के लिए कहती थी, इसी चीज़ को लेके आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने ये घटना कारित की। इस प्लानिंग में और कुछ लोग संलिप्त होने की बात सामने आ रही है? अभी तक जो हमारे तथ्य जो सामने आए हैं उसमें सचिन पाल जो है, जो इसका लड़का, उसी का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है तो और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसके ऊपर शक कैसे हुआ आपको, कैसे लगा कि ये मार सकता है? देखिए, इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगी थी और कैमरे और जो CDR एनालिसिस हैं वो भी पुलिस कर रही थी, तो उन्हीं में हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे ये पुष्टि हुई कि जो सचिन पाल है वो पुलिस को भ्रमित कर रहा है और इसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है जो बाद में इसने कबूली है। थैंक यू।